हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। ये सोशियोलॉजी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है हमारा सोशल इश्यूज जो GS1 में पूछा जाता है, एंड अदरवाइज भी हमें SA पर भी इसमें पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर पता होने चाहिए। चाइल्ड लेबर के बारे में आपको बताऊंगा मैं, डेफिनेशन क्या होती है, कॉजेज क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो क्विक सा वीडियो है, खत्म करते हैं जल्दी से। डेफिनेशन पहले देने की ट्राई करते हैं। देखो स्टैंडर्ड एक जैसे डेफिनेशन क्या आती है, जो 14 साल से कम का जो इंसान, 14 ईयर्स और उससे कम, जो कि अपने ज्यादातर दिन में काम कर रहा है, वर्किंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, यहां पर बात UN कैसे डिफाइन करता है। UN कह रहा है 14 ईयर्स नहीं, 18 ईयर्स करो आप, जो 18 साल से कम का इंसान जो ज्यादातर अपने दिन में काम कर रहा है। ठीक है, वर्किंग एक जनरल आप थोड़ी सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन भी दे सकते हो। हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड लेबर उस इंसान की बात हो रही है जिसको अभी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए था लेकिन अभी काम कर रहा है। ठीक है, जिसको वन हु ऑट टू बी इन एजुकेशन सिस्टम बट इज वर्किंग, तो गेटिंग इट। तो ये ब्रॉडर डेफिनेशन है एक। ओके, अब कॉजेज क्या होते हैं, बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर क्यों आती है। सबसे पहला तो गरीबी है, पॉवर्टी। पॉवर्टी चाइल्ड लेबर को फीड करती है, चाइल्ड लेबर को एनकरेज करती है कि आपको घर पर एंड्स मीट करने हैं तो यू विल हैव टू मेक द चिल्ड्रन वर्क, है ना। एंड देन उसके बाद ऐसा भी है कि बहुत से पेरेंट्स हैं, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड मतलब कि इतनी सैलरी नहीं कमा पा रहे कि पूरे घर का खर्चा चल पाए, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो बच्चे क्या करते हैं, फुल टाइम बच्चे एम्प्लॉयड नहीं होते लेकिन हाँ बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करके कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद वोकेशनल, हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन काफी वीक है। कि वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है, वहां पर यहां समझने की ट्राई करना कि वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, स्किल बेस्ड, जहां पर स्किल मिलेगा एंड उसके बाद जैसे अगर कोई मैकेनिक चाहता है बनना, मैकेनिक बन सकता है एक्सेट्रा, तो वोकेशनल एजुकेशन काफी वीक है। तो वो वाली जो एजुकेशन वीक होने से क्या होता है, बच्चे एजुकेशन सिस्टम में आते ही नहीं। तो आप यहां पर ये वाला पॉइंट आगे कंटिन्यू करके आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ये पॉइंट क्या बोलता है कि एजुकेशन सिस्टम ही का भी ये फेलियर की तरह देख सकते हैं कि बच्चों का या फिर पेरेंट्स का जो ट्रस्ट ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, कि अगर बच्चों को स्कूल भेज भी दिया तो उससे क्या होगा, कि उनको कोई उसके बाद जॉब मिलेगी क्या, जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल से वो पास हो रहे हैं उसके बाद हमने अगर उनको कोई छोटी मोटी डिग्री करवा भी दी क्या जॉब मिलेगी उन्हें। तो हमें उन्हें पहले से ही अपने साथ काम पर लगा रहे हैं एंड या फिर यहाँ पर छोटा मोटा मैकेनिक का कोई काम मिल गया वहां पर डाल रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में भी लॉस ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है, बच्चे आ रहे हैं स्कूल में नहीं आ रहे हैं, या फिर उसके लिए जो पैरेंटली मटेरियल चाहिए बच्चों की ग्रोथ के लिए वो सब मिसिंग है। ओवरऑल होता क्या है कि स्कूल के सिस्टम में, एजुकेशन के सिस्टम में विश्वास ही नहीं होता कि अगर ऐसे रो धोकर डिग्री या फिर 10वीं 12वीं पास कर भी ली उससे क्या होगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये बहुत कॉमन से एक ही है, जैसे कैलाश सत्यार्थी की आप स्पीच सुनते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को मैं वापस ट्रस्ट लाना होगा, एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना होगा, जहां पर अगर पढ़ा लिख गया कोई तो थोड़ी अश्योरेंस हो जाए कि उसको जॉब मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहां पर। पेरेंट्स जनरली या तो इलिटरेट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, या इग्नोरेंट होते हैं। ठीक है, फैमिलीज बड़ी होती हैं। ओवरऑल आ क्या रहा है कि जहां भी आप देखो लार्ज फैमिलीज में कि अगेन एंड्स मीट करना मुश्किल है तो बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। अनहैप्पी होम्स, अनहैप्पी होम्स मतलब जहां पर जो पेरेंट्स में जो जनरली आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डिसफंक्शनल, वहां पर बच्चों को सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे काम करने के लिए इसीलिए आ जाते हैं बाहर, ढाबा पे काम कर रहे होते हैं, किसी के घर में डोमेस्टिक लेबर बन जाते हैं। एंड देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रीजन, सुपर इंपॉर्टेंट रीजन ये है हमारा प्रेफरेंस है। किसी किसी इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर की ही प्रेफरेंस है इनको। जैसे आप देखो कारपेट की फैक्ट्री, जहां पर बिल्कुल अच्छी फाइन बुनाई करनी है, बीड़ी छोटे छोटे पत्तों को रोल करना है, वहां पर बच्चे प्रेफर किए जाते हैं चाइल्ड लेबर, क्योंकि काम काफी इंट्रीकेट है, बहुत डिटेल्ड वर्क है। एंड देन इनको एक स्पेशल टर्म भी दी गई है, इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है निम्बल फिंगर्स। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रहे, निम्बल फिंगर्स। निम्बल मतलब बहुत ही जो बहुत ही आराम से चलती हैं, स्मूथ एकदम। ठीक है, निम्बल फिंगर्स छोटी छोटी कहीं भी जाके काम आराम से स्मूथली कर देंगी, कारपेट को भी बुन देंगी, बीड़ी भी बना देंगी। तो ऐसे ऐसी कुछ फैक्ट्रीज में प्रेफरेंस भी है। देन उसके बाद बहुत से बच्चे जो ऑर्फन जो हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, उनके प्रोटेक्शन का फेलियर।
उनको अच्छे से नहीं रखा गया ऑर्फनेजेस में, और तो इसीलिए क्या करते हैं वो बाहर आके खुद के सर्वाइवल का जिम्मा खुद उठाते हैं, एंड व्हाट दे डू इज दे बिकम चाइल्ड लेबर। एंड देन उसके बाद एक और आपने गवर्नेंस पर भी बात ये बतानी जरूरी है कि करप्शन भी है, जो बच्चों के लिए ग्रांट्स दी गई, स्कॉलरशिप दी गई, वो बेनिफिशरी तक पहुंच ही नहीं पाती है ना, और जो कल्प्रिट है ना तो उनको कोई किसी ने सजा दी। तो इसीलिए करप्शन भी एक मेजर रीजन है कि आज भी हमारे यहाँ पर सुधार गृह होते हैं बहुत सारे, जैसे कस्तूरबा आप देखेंगे तो वहां पर कस्तूरबा गांधी के नाम से बालिका विद्यालय चलते हैं, जो वहां पर बहुत सारे जो रेप केसेस भी आते हैं। तो ये इनका जो ओवरऑल जो सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम में काफी ज्यादा करप्शन है। अगर कोई प्रॉपरली वहां, क्योंकि आए दिन ये आ रहे हैं, नॉट दैट कि ऑल आर बैड, बट यस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस, क्योंकि यहां पे देखो अगेन चक्कर क्या होता है यहां पर कि अकाउंटेबिलिटी इश्यूज है ना, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज कि इनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा। मीडिया में न्यूज आती है, शोर मचता है, तो अकाउंटेबिलिटी वापस आ जाती है, अदरवाइज तो लोगों का विश्वास कम होता है इसमें कि ऐसी जगहों पर जाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सब कुछ है क्या रहा, 5 करोड़ के आसपास यूनिसेफ का एस्टीमेट है कि इंडिया में चाइल्ड लेबर है 5 करोड़। इमेजिन कीजिए यूके की पूरी आबादी 7.75 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट एक एंटायर यूके हमारे देश में चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है। तो अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हैं, याद रहे तो अच्छा, ये 24 है, 39EF, जहां पर चाइल्ड लेबर से हमें एक तो बैन किया गया है और उसको बंद करने के लिए कुछ प्रोविजन भी दी गई हैं, राइट टू एजुकेशन आप चाहें तो कोर्ट कर सकते हैं, 21A चाइल्ड लेबर पर ही अटैक करती है वो, एटसेट्रा। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं और आगे भी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस भी, हम देखेंगे क्या क्या हैं। और उसके पहले आप देख लो ग्लोबलाइजेशन और चाइल्ड लेबर कैसे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव्स देखते हैं पहले कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन चाइल्ड लेबर को बढ़ाती है। पहला कि कंपेटिटिवनेस बढ़ गई है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन इंक्रीज हो जाती है कि कैसे सर्वाइव करें, कैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी निकालें। तो इसीलिए बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया जाता है, क्योंकि बच्चों को एम्प्लॉय करना सस्ता पड़ता है, वो सैलरी कम डिमांड करते हैं, ज्यादा देर तक काम उनसे काम लिया जाता है। ठीक है, कंपेटिटिवनेस बढ़ती है तो प्रॉफिट बनाने के लिए ये किया जाता है। हिस्टोरिकली पूरा का पूरा यूके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही बच्चों पर बेस्ड है, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चों को एम्प्लॉय किया हुआ था फैक्ट्रीज में वहां पर, तो लेकिन वहां पर तो रेगुलेशन स्ट्रांग हो गई है, लेकिन बाकी जगहों पर रेगुलेशन अभी वीक है, तो इसलिए चलता रहता है। एंड देन उसके बाद एवेन्यूज बढ़ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन में, एवेन्यूज मतलब नई नई तरह की छोटी छोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, कुछ कहीं से कोई सप्लायर बन गया तो है ना, सप्लायर छोटा छोटा, जैसे लेट्स से जूतों की कंपनी के लिए जो सोल प्रोवाइड कर रहे हैं, सोल बना रहे हैं, वहां पर बच्चों को रखा हुआ है। तो ऐसे ये जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था यूएस में जहां पर पता लगा था कि जैसे नाइकी एडिडास जैसे बड़े बड़े ब्रांड से ये जो इनके जो कपड़े बनकर आ रहे थे ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश वगैरह में बच्चे बना रहे थे, चाइल्ड लेबर बना रहे थे। तो उससे भी हुआ था, स्वेट शॉप में था कि औरतें या फिर जो लोग भी काम कर रहे थे छोटी छोटी जगहों पर, बहुत सारे लोग भर्ती किए हुए थे, जमा किए हुए थे, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा कि एवेन्यूज बढ़ जाते हैं जब नई नई तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो बच्चों को वहां पर काम में धकेल दिया जाता है। अर्बनाइजेशन भी एक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि माइग्रेशन करते हैं परिवार, माइग्रेट करके वहां पर गुजारा होता नहीं है, सस्टेनेबिलिटी इशूज आ जाते हैं, और इसीलिए बच्चों को वो काम करने लगा देते हैं, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट्स भी कहते हैं। एंड देन ग्लोबलाइजेशन बढ़ा रही है इसको, अर्बनाइजेशन वगैरह सबको, माइग्रेशन को इंक्रीज कर रही है। और देन उसके बाद जो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, लोगों की परिवारों की इनकम्स बढ़ रही हैं अर्बन शहरों में, तो हो क्या रहा है, वो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर की डिमांड करते हैं, वो कि वो कह रहे हैं कि घर पर रखने के लिए छोटू चाहिए, हमें घर पर रखने के लिए छोटू चाहिए, क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ गई है, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं छोटू, तो कहीं ना कहीं से छोटू आ जाता है और वो काम करना शुरू करता है। एंड जनरली बहुत से घरों में यू विल गो एंड यू विल विटनेस कि हम उनको बेटर लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप इनसे ही पूछ लीजिए ये घर वापस नहीं चाहते जाना, एटसेट्रा ना, पीपल गिव अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दे से अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि हम इनको सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो ये एथिकल इशू है, आप एथिक्स में डिस्कस कर सकते हैं कि इज इट द राइट थिंग टू डू, है ना, एथिक्स में से सवाल पूछे जाते हैं आपको कि अगर आपको चाइल्ड लेबर बना के किसी को रखा हुआ है लेकिन एजुकेशन दी जा रही है उसको, तो क्या इज इट वैलिड, तो है ना, अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्कस इट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ओके, देन जो बांग्लादेश नेपाल में स्वेट शॉप्स जो मैंने आपको बताया, छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम कराते हैं, तो वहाँ वो बंद कर दी गई, क्योंकि जो नाइकी एडिडास वगैरह जो है सामान बनवाते थे यूएस में बहुत बैकलैश हुआ, तो उनके प्रोडक्ट्स खरीदने लोगों ने बंद कर दिए, तो ये बंद कर दी, तो स्वेट शॉप्स बंद हो गई, लोगों के घर के गुजारे बंद हो गए, तो गुजारे बंद हो गए तो बच्चों को काम पर, बहुत सारे बच्चों को काम पर लगाया गया कि घर के गुजारे चलाने आपको भी काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एंड एक इसका वैसे और भी पैरेलल एक और है कि जो बहुत सारी जो औरतें वहां काम करती थी, दे वर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, दैट्स अ सेपरेट पैरेलल पॉइंट, लेकिन कहीं आप कोट कर सकते हैं, दे वर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन अक्रॉस नेपाल एंड बांग्लादेश। एंड देन उसके बाद नई नई फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर भी आ रही हैं, है ना, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये नई नई तरह की फॉर्म्स है हमारे पास चाइल्ड लेबर की, तो ये भी आप पेपर में लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं कि फॉर्म्स भी हम अब देख रहे हैं बदलती जा रही हैं।
लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे भी हैं, ठीक है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो उससे हो क्या रहा है, इंक्रीज्ड रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग काफी इंक्रीज हो गई है अवेयरनेस बढ़ने से, लोग अब इंक्रीजिंगली रिपोर्ट करते हैं, कहीं चाइल्ड लेबर देखते हैं। जैसे अभी एक अभी आई एम श्योर कि यू माइट नो दिस केस एज वेल, दिस इज अ वेरी फेमस गाय, वो उनका रैंक भी टॉप 10 में रैंक है एंड इंसिडेंटली यूज टू बी आर फ्रेंड, और दिल्ली में ही वॉज देयर इन दिल्ली। जब भी वो चाइल्ड लेबर, जैसे दिल्ली में अगर आप राजेंद्र नगर एरिया आपने देखा हो तो वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे ढाबा हैं, ढाबाज पर बच्चे काम करते हैं, तो जब भी वो देखते थे वो कॉल कर देते थे चाइल्ड लेबर हेल्पलाइन पर, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वहाँ पर, तो कॉल कर देते, बोल देते थे कि यहाँ पर बच्चा काम कर रहा है इसको ले जाइए, बिफोर ही गॉट सेलेक्टेड एंड ही गॉट अ टॉप 10 रैंक। एंड तो जनरली वही है कि जरूरी नहीं है जब आप अफसर बनोगे तभी ये काम शुरू करोगे, उसके पहले भी लोगों ने शुरू कर दिया है क्योंकि रिपोर्टिंग इंक्रीज हो गई है, इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जहां पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। एंड देन उसके बाद ग्लोबल कन्वेंशंस आ गई हैं जिसमें सरकार का रोल इंक्रीज हुआ है ग्लोबल कन्वेंशंस के चलते, ग्लोबल मूवमेंट्स आई हैं अगेंस्ट प्रोडक्ट्स जो बच्चे बनाते हैं, एंड देन ग्लोबल एनजीओज ये रेस्क्यू करने के लिए आ गई हैं, नई नई तरह से ये लोगों को हेल्प कर रही हैं कि आप कैसे चाइल्ड लेबर रोक सकते हैं खुद भी। एंड लाइमलाइट तो इंक्रीज हुई, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन में कब से काम कर रहे हैं, इंडिया में किसी को पता भी नहीं था, जैसे ही नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिलते ही क्या हुआ, हमारा नोबेल प्राइज नहीं है, नोबेल प्राइज है दोस्तों, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज जैसे ही मिला कैलाश सत्यार्थी जी को, वैसे ही लाइमलाइट आई कि चाइल्ड लेबर, अच्छा अच्छा चाइल्ड लेबर बंद करनी पड़ेगी, अखबार में आर्टिकल आगे जो भी हुआ, अदरवाइज कैलाश सत्यार्थी जी कब से 20 साल से काम कर रहे हैं, है ना, तो लेकिन लाइमलाइट तो आई। और अभी हमारे पास कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं, जैसे हमारे पास CLPR है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, है ना, और 2014 में इसको 18 साल बना के अमेंड कर दिया गया 2016 में, एंड देन उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, बैन ऑन चाइल्ड लेबर है, तो ये ऐसे लीगल प्रोविजंस भी हैं, इंस्टीट्यूशन ये कहीं ना कहीं बस ड्रॉप करते रहो ना, ड्रॉप करते रहो कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास नेशनल अथॉरिटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक स्पेशल सेल है, और स्टेट लेवल पर कमेटीज हैं बहुत सारी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड मिनिस्ट्री पूरी एक एग्जिस्ट करती है एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और बाकी आप बोल सकते हो कि बहुत सी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं, जैसे एनजीओज है, बचपन बचाओ आंदोलन, आईपैक करके इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दे ऐड अप एंड दे स्पाइस अप योर आंसर, है ना। जैसे आप बोलो स्पेशल स्कूल्स लगाए जा रहे हैं, इवनिंग स्कूल्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद ये जो यूनिसेफ बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है यूनिसेफ, और नेशनल पॉलिसी भी है हमारे पास चाइल्ड लेबर एलिमिनेट करने की, 5 करोड़ बच्चे जब ऐसे लगे होंगे तो पॉलिसी होनी पड़ेगी ना। और उसके बाद सेंटर है हमारे पास फॉर रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्रीडा, छोटी छोटी चीज़ें आप लिखते रहें, आपके आंसर में एकदम अलग से ही स्वाद आ जाता है और एकदम अलग से ही दिखता आंसर। एंड देन इंटीग्रेटिव अप्रोच, आप अंत कर सकते हैं कि सर की सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड लेबर बैन करने से कुछ नहीं होने वाला, पेरेंट्स को भी पनिश करना होगा, जो पेरेंट्स बच्चों को काम पर लगा रहे हैं उनको पनिश करना होगा, पेरेंट्स को ढंग की एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी होगी, स्किलिंग करनी होगी, मल्टीपल लेवल पे काम करेंगे तभी काम होगा, स्किलिंग एंड आप क्या बोलेंगे हमेशा ही रीस्किलिंग, क्योंकि कई ऑलरेडी स्किल्ड हैं लेकिन उनके वो स्किल इनफ नहीं है आज के एरा में, रीस्किलिंग करनी होगी। ये तो आपने बात की पेरेंट्स वगैरह के लेवल पर, सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा कि हम चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय नहीं करेंगे, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसके बियॉन्ड, आप अच्छी एजुकेशन घर पर उनके स्पॉन्सर कर दीजिए, आप यू कैन अडॉप्ट अ कपल ऑफ पीपल ताकि उनको माइग्रेट ना करना पड़े, है ना, बच्चे अडॉप्ट कीजिए। तो इसी तरह से तो चाइल्ड लेबर आप जब तक खुद अपने घर से नहीं रुकते, जैसे आपको मैं बहुत सही बात बताता हूँ, एक जैसे कि स्लेवरी के अगेंस्ट क्या किया, छोटे छोटे एक्शन होते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, स्लेवरी के अगेंस्ट क्या किया, जैसे स्लेवरी चल रही थी US में, आपको पता है स्लेव ट्रेड, अब्राहम लिंकन उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और जो भी चल रहा था स्लेव ट्रेड के खिलाफ सब कुछ, तो वहां पर पर्टिकुलरली जो स्लेव्स थे US में वो कॉटन उगाते थे, एंड वो कॉटन उगा कर कहाँ भेजते थे, लैंकेशायर इज इन इंग्लैंड, है ना, UK में, तो वो लैंकेशायर भेजते थे, तो लैंकेशायर के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि हम इस कॉटन पर काम नहीं करेंगे, इससे कपड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये स्लेव्स ने के पसीने खून पसीने से बनी है और हम स्लेवरी के अगेंस्ट हैं, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लैंकेशायर की मिल वर्क जो वर्कर्स ने, छोटे कितने छोटे लोग होंगे उनके पास, कोई कितनी वो होगा, काम नहीं कर रहे तो मालिक निकाल भी सकता है, तो लेकिन तब भी दे प्रोटेस्टेड, और उसके बाद लैंकेशायर वाज द हब ऑफ एवरीथिंग, जो कपड़ा वगैरह, तो वहां पे इस तरह से फोर्स हुआ, वहां पर कॉटन बिकनी बंद हो गई, कॉटन बिकनी बंद हुई तो जो स्लेव के जो ओनर थे उनको भी ऐसे फिर चोट पहुंची, क्योंकि जब तक आप मार्केट प्रोवाइड करते रहेंगे किसी चीज की तब तक वो चीज रहेगी, आप मार्केट प्रोवाइड करना बंद कर दीजिए, आप नकार दीजिए मुझे नहीं चाहिए, मार्केट भी ग्रेजुअली चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सिविल सोसाइटी पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक ऐसी सोशल इशू की। उसके बाद मीडिया भी हाईलाइट कर सकता है, जैसे टीवी सीरियल्स, एक पहले कोई टीवी सीरियल आता है उड़ान,
इसमें छोटी बच्ची होती है, चाइल्ड लेबर होती है, बंधुआ मजदूर, तो ऐसे ऐसे टीवी सीरीज वगैरह भी ऐसे इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी अच्छी कितनी या कितनी बुरी चीज़ है जिसको आप अच्छा बोल रहे हो, दैट इज इनफैक्ट अ बुरी चीज़, ठीक है। तो इसीलिए तो आप ये पूरा का पूरा चाइल्ड लेबर पर आप इसको आंसर आपका काफ़ी अच्छा बन सकता है, और डेफिनेशन शुरू कीजिए, प्रोविजन बताइए एंड बताइए ग्लोबलाइजेशन ने क्या इम्पैक्ट किया, लीगल प्रोविजन बताइए, और उसके बाद वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम्स बताइए, और अंत में एक वे अहेड सजेस्ट कीजिए कि किस तरह से वे अहेड, क्या क्या इंटीग्रेटिव अप्रोच करनी पड़ेगी, एक चीज़ पर काम करने से नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए ये था छोटा सा हमारा अटैम्प्ट आप सबके सामने एक छोटा सा टॉपिक को पूरा विस्तार से प्रेजेंट करने का, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्द, बाय बाय।